का एक ताल्लुक खत्म हो जाने से हमारे बाकी सारे ताल्लुक खत्म हो गए। हाँ? तो मेरी बीवी की बहन? बीवी उसी की तो आलग गई है मुझे। शौहर चाहे उसे इंतजार करवा के खुद किसी और के साथ घूम रहा हो। नहीं नहीं आसाम ऐसे नहीं है। क्या हुआ अरवा? तुमने बहन के मिलने के लिए कुछ लेना था तो मुझसे कह देती, मैं तुम्हें जोड़े दिलवा देती। और नहीं तो क्या, इतनी फरमाइशें करने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारी बड़ी की कितनी चीजें अनछुई पड़ी हैं। मैंने उनसे कोई फरमाइशें नहीं की, वो दोनों चीजें अपनी मर्जी से लेके आए थे। देखो बहू, बुरा ना मनाना किसी बात का, जेवर की हद तक तो ठीक था, वो अकलमंदी थी, जेवर है काम की चीजें, काम आ जाएगा। लेकिन ये कपड़ों पे हजारों रुपया खर्च करना कहाँ की अकलमंदी है? सरासर हिमाकत है। लड़कियां कहां पहनती हैं कपड़े दोबारा, एक दफा पहने और बेकार कर दिए। जी आप ठीक है, समझा देना आदिल को, बंद करें ये फजूल खर्ची। जी अम्मा, वो जो उर्वा के हमारी तरफ वाले जेवर थे वो आप ही के पास है ना? हाँ वो मैंने ही रख लिए थे, उसको भला कहाँ ढंग था जेवर सहनने का। अच्छा तो उसमें से जो बड़ा वाला सेट है वो मुझे दे दें प्लीज। क्यों, तूने क्या करना है? ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, कोई शादी वादी होगी तो उसमें पहन लूंगी। हाय मेरा बिट्टू, कितने अरमानों से उसने अपनी दुल्हन के लिए जेवर बनवाया था। अम्मा ना आप वो दुल्हन रही है ना भाई, मुझे वो सेट चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए? हाँ, कहाँ गुमसुम हो? कुछ नहीं, इतनी देर लग गई आपको आने में? हाँ वो एक दोस्त के पास चला गया था मैं। किस दोस्त के पास? एक दोस्त है, तुम नहीं जानती उसे। सर जल्दी से खाना लगाओ, तो मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी आया मुंह हाथ धो। वेलकम तारिफ, नई जॉब मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखाऊं। जी प्लीज। तारिफ ये तुम्हारा केबिन है, इसे अपनी ऑफिस समझना, मुझे अपना बॉस नहीं अपना दोस्त समझना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
और अगर कोई मसला हो तो मेरे पास जरूर आना। चलो बैठो और काम शुरू करो। ओके शाम में घर जल्दी आ जाइएगा, आज अम्मी के घर दावत है, आपको याद है ना? हाँ हाँ याद है, मीटिंग अटेंड करके फौरन घर आ जाओ। हाफिज पापा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा तुम मूवीज वगैरह देखती हो, कौन सी फिल्में पसंद है तुम्हें? मूवीज का तो वक्त ही नहीं मिला, घर में या तो अम्मी का हाथ बटाती हूँ या फिर पढ़ाई करती हूँ। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं कि तफरी के बारे में सोचा भी जाए। ओफो, घर के माहौल से अगर इतना परेशान हो तो चलो बाहर घुमाने ले जाता हूँ। क्या चिटर आदमी है यार, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सर जफर ऐसे आदमी निकलेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पे कोई रूही के काम आ गए। अच्छा हुआ कि मैंने अभी तक ना किसी अपनी बहन को बताया था और ना ही अम्मी को। सॉरी यार, मेरे कन्विंस करने पर ही तुम राजी हुई थी, मुझे क्या पता था कि सर जफर इतने खबीस इंसान निकलेंगे। नहीं यार, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और वैसे मैं कौन सा कोई उनके इश्क में मरे जा रही थी, मुझे कोई परवाह नहीं उनकी, मुझे कोई मोहब्बत बनी थी उनसे। दुख तो मुझे इस बात का है कि वो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। आज वो मुझे फंसा रहे थे, कल वो किसी और लड़की को फंसाएंगे। इतनी मासूम औलाद और इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद कोई इंसान ऐसा भी सोच सकता है? प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे? नहीं, कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी कौन सा उनकी खसलत बदल जाए। लेकिन हाँ, आज के बाद वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहताद हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं उन्हें उनकी लिमिट्स बता दूंगी कि मुझसे ज्यादा फ्री होने की वो बिल्कुल कोशिश ना करें। चल कैंटीन चलते हैं। जला तो नहीं? नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। जल गया है, ला मैं दवाई लगा दूं। नहीं नहीं ठीक है, ठीक नहीं है, आप पानी डाल दीजिए। हाय।
लंच ब्रेक हो चुका है, क्या आप नहीं जा रहे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। श्योर? या, थैंक यू। यहाँ पास में एक कैफे है, क्या आप ट्राई करना पसंद करेंगे? कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप भी तो खा गए थे साहब भाई के पैसे। चोरी? उन्नी उर्वा की शादी करने चोरी होती? और आपने गाड़ी घंटों से रूला था। दोस्तों के साथ जो चोरी होती मुझसे हिसाब मांगेगा तो अफजल अली से, अपने बाप से हिसाब मांगेगा तो हाँ मांगूंगा हिसाब, क्यों ना मांगे कोई आपसे हिसाब। अलीशबा, क्या हुआ, आज मिले बगैर ही जा रही हो? सर बेहतर होगा कि आइंदा आप मुझे रोकने की गलती ना करें। अरे क्या हो गया है, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये आप अगर खुद अपने आप से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बीवी और मुझे धोखा देते हुए आपको जरा शर्म नहीं आई कि जब हकीकत सबके सामने आएगी तो क्या होगा? बीवी? अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? बस सर अब और झूठ बोलने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अरे मेरी बात तो सुनो। सर शुक्र करें कि मैंने आपकी कंप्लेन प्रिंसिपल से नहीं की है। अब बेहतर होगा कि अब आप मुझसे राब्ता करने की हरगिज कोशिश ना करें और मेरे बाद किसी और शरीफ और मासूम लड़की का शिकार करने की भी कोशिश ना करें। और अब जाए यहां से। बेटा आप भी कुछ लो ना, ऐसी गुमसुम क्यों बैठी हो? जी पप्पू लेती हूँ। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं कोई बात नहीं है। कैसे बात नहीं हुई, हाँ जल गया बेचारी का। क्या तुम्हारा हाथ जल गया, तुमने मुझे बताया था कि नहीं? नहीं बस मामूली सा जला है। कहाँ जला है अब दिखाओ। गॉड, दवाई लगाई? नहीं कहाँ लगाई दवाई, ठंडा पानी डाल दिया था बस। ठंडा? अम्मी आप भी ना कमाल करती हैं। आखिर मैंने फिर से हसाम को तुमसे छीन ही लिया। उर्वा तुम समझती थी तुम अपनी खिदमत और ताबेदारी के ओछे हथियारों से उसे जीत लोगी, लेकिन हुस्न के आगे ये सारी खूबियां पानी भरती हैं।
जीत हमेशा हुस्न की ही होती है। कितना अच्छा लगेगा जब हसाम सबके सामने तुम्हें छोड़ने और मुझे अपनाने की बात करेगा। उर्वा की वजह से मेरी तलाक हुई थी। अपनी गलतियों को मेरे मत्थे डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी इस चीज की वजह नहीं थी। मैं अम्मी से कह दूंगी कि इस रिश्ते से इनकार कर दे। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। अम्मी उन लोगों को मना नहीं करेगी। मेरी जिंदगी है, हमेशा मेरे फैसले दूसरे लोगों ने किए। मुझे भी इख्तियार अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। और वैसे भी मैं इस शादी से दिल से राजी हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी तो शुरू दिन से यही नियत थी। अब निकली ना बिल्ली थैले में से। मैं भी देखती हूँ मेरा घर उजाड़कर तुम अपना घर कैसे बसाती हो। खैर हमें क्या, आपने देखा सब लोग कैसे हमारी तरफ देख रहे थे रश की नजरों से। Because we are the perfect couple. दादा क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, कुछ करने को है ही नहीं। तो क्या करना चाहता है तू, वही कर लेते हैं। करना क्या है, किस्मत की कड़की है और जेब खाली पड़ी है। अबे सही कहा, पैसे तो ऐसे जाते हैं कि अपने हो ही ना। उस्ताद कोई नया मुर्गा पकड़ो ना, फिर से जेब भरी और सिगरेट भरी हो तो मजा आ जाए। अबे इतना आसान नहीं है प्यारे, लोग कहाँ आते हैं इतनी आसानी से। आते हम खुद भी तो सुस्त पड़ गए। अबे स्लो बोल स्लो, करते हैं कुछ, फिकर क्यों करता है। सुनाओ हमारा शहजादा कहाँ है। अबे कौन तारिक, और कौन, काफी दिन से नजर नहीं आया। अबे दिखाई तो मुझे भी नहीं दिया, कहीं उड़ तो नहीं गया। अरे अच्छी बात तो मुझसे निकाला कर, फोन निकाल तो फोन लगा उसको पता कर है कहाँ वो। अबे बैलेंस है कहाँ फोन में। अबे तो मिस कॉल देना, लगता है बेटा कल रात की उतरी नहीं। बैलेंस है कहाँ जो मिस कॉल देंगे। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इससे साबित होता है कि माल अच्छा दिया है जमाल लाला ने। वैसे उठते उठते खबर आई है ये नशा छोड़ दिया उसने, और सुना है कि नौकरी भी शुरू कर दी उसने। नौकरी, उससे किसने रख लिया नौकरी पे। अबे ये तो नहीं पता लेकिन सुना है ऐसा। कमाल हो गया, चलो अब पैसे तो मिल जाया करेंगे उससे। कहीं नजर आए तो बताना, मुबारकबाद देंगे उसे। जरूर, इसी खुशी में एक सिगरेट और हो जाए। खुशी में? अबे हमारी जिंदगी में और क्या खुशी आनी है, इसी से एंजॉय करते हैं। चलो फिर हो जाए। चलो जा, निकल। Right? हाँ, लेकिन आप कौन? अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं समरीन का भाई। आप यहाँ? लेकिन आप यहाँ कैसे? आप तो? जी जी मैं लंदन में था, वापस आ गया। आप घर ही जा रही हैं शायद? जी मैं बस का वेट कर रही थी। रास्ते में ही है मेरे, मैं छोड़ देता हूँ आपको, if you don't mind। नहीं नहीं प्लीज, आप क्यों जहमत करेंगे, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, इतनी गर्मी है कैसे जाएंगे आप घर। रोज का आना जाना है हमारा, कोई नई बात तो नहीं है। ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी बस आ गई, मैं चलती हूँ। हेलो, आई एम सॉरी, मुझे उस दिन आपसे उस तरीके में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जब तक एहसास हुआ आप जा चुकी थी। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। तबीयत कैसी है आपकी? जी मैंने पूछा तबीयत कैसी है आपकी।
ठीक, थैंक यू। आप वो कुछ कैफे के बारे में बोल रही थी, अगर आप आज फ्री हैं तो लंच पे चलें? श्योर, काम करने में दिक्कत आती है। ओके, थैंक यू। हेलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम इसलिए नाराज हो कि मैं तुम्हें अब तक शॉपिंग पे लेके नहीं गया? आपको पता है कि चीजें मेरी ये बिल्कुल अहमियत नहीं रखती। अच्छा, तो फिर तुम्हारे लिए क्या चीजें अहमियत रखती हैं? मैं ना, तुम्हें पता है मैं शॉपिंग करने किसके साथ गया था? आनम के साथ। समझ में नहीं आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं। बहुत ही खुदगर्ज लड़की है। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि बहन का घर टूट रहा है या किसी और का। जब ये तुम उसके सामने पहन के जाओगी ना, तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे लिए क्या चीज अहम है, कौन अहम है, किसके साथ रहना चाहता हूं। हसन, I'm so sorry. Please मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बदजन हो गई थी। दरअसल मैंने और अलिशबा ने आप और अनम को शॉपिंग करते हुए देख लिया था और मैं समझी कि अच्छा, तो अब पता लगा कि इतने दिनों से तुम्हारा मुंह भी फूला हुआ। फिर तुम्हें तो पूरा हक है मुझसे पूछने। पूछा क्यों? आइंदा इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा देखो ना कैसी है। पसंद आई? Very nice. ये क्या पिला रहा है, बगैर चीनी की चाय? उस्ताद ज्यादा चीनी पियोगे शुगर हो जाएगी। अबे कौन कहता है कि शुगर हो जाती है? बचपन से तो यही सुनता आ रहा हूँ। और बचपन का कहा आज तक सच हुआ? अब तक तो कोई नहीं। अच्छा ये सुना, तारीख का कुछ पता चला अभी तक? नहीं तारीख तो कोई नहीं। अब तारीख भाई कहाँ जा रहे हो? तो मेरे रास्ते से। अबे क्या हो गया तुझे? मैं आराम से कह रहा हूँ हटो मेरे रास्ते से, आगे बात रोकने की कोशिश मत करना। अबे लगता है कि नौकरी से चढ़ गई इसको, देख लेंगे इसको तो। आ जा बैठ, रो पागल साले। मम्मी अल्लाह खैर करे, क्या बात है आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो खुशियां हमसे बहुत दूर चली गई थी अब हमारे पास वापस आ गई हैं। बेटा खुशी तो हमारे अंदर का मौसम होती है, हम खुद ही नहीं बदलते। मुझे लगता है अम्मी की जैसे सब वापस लौट आया है, दूर कहीं बहुत दूर चला गया अंधेरा और हर तरफ रोशनी रोशनी है। इसीलिए कहते हैं ना बेटा कि मायूसी गुनाह है, ऊपर वाला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन अम्मी ये खला, सब आजमाइश होती है उस साथ की, वो अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकते हैं। ठीक कहा अम्मी, शायद इसी का नाम जिंदगी है।
जिंदगी जिंदा रहने का नाम है और जिंदा सांस से नहीं बल्कि एहसास से रहा जाता है। ये एहसास तो कहीं खो गया था। बेटा जो हुआ उसे भूल जा, अच्छे की उम्मीद पर ही तो जमाना चल रहा। मगर अम्मी अब मुझे अपने जिंदा होने का एहसास हो रहा है, शायद इसकी वजह भाई का वापस आना है। हाँ बेटा, ऊपर वाले ने बहुत करम किया हम पर, मेरा बच्चा उस दलदल से निकल आया, शुक्र करने के लिए यही काफी है बेटा। भाई को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर हमें मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिलता है। क्या क्या दुआएं नहीं मांगी थी हमने भाई के लिए। बेटा बहनें तो ताज हुआ करती हैं अपने भाई के सर का, भाइयों के गिर्द हमेशा दुआओं का हिसार बांधे रहती हैं। तुमसे बेहतर ये कौन जान सकता है। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी आपने, भाई तो मेरे लिए जान से भी बढ़कर। वैसे अम्मी अब आप भाई का भी तो कुछ सोचें। क्या सोचूं मैं, भाई अब कोई अच्छी सी भाभी ढूंढ ले हमारे लिए। बेटा अगर मेरे बस में हो ना तो मैं तो कल ही ले आऊं, लेकिन क्या करूं उससे बात करती हूं तो वो कहता है कि पहले तुम्हारी जिम्मेदारी से फारिग हो जाए तब सोचे। अच्छा तो इतने तंग है वो मुझसे। तंग नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा अम्मी मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊं। अच्छा ठीक, मेरे लिए भी एक कप बना कर लाओ। अभी लाए। शर्म आनी चाहिए भाई आपको, जिस जहर ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया आप आज भी उसे अपने हाथ में लिए बैठे। आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें और खुद को, चाहते क्या है आप हमसे। मुझसे भी सब कुछ और नहीं देखा जा सकता। तूने मुझे बहुत मायूस किया है, बहुत मायूस किया है तारिक। छोड़ मुझे। अब्बा बता मुझे मोटरसाइकिल के पैसे कहाँ हैं? अब्बा मैंने कोई मोटरसाइकिल नहीं बेची, किसी ने आपको गलत बोला है। निकाल मेरे पैसे। मैं बता रहा हूँ नहीं है मेरे पास आपके पैसे। बकवास करता है, बकवास करता है। मैं छोड़ूंगा, निकाल मेरे पैसे, खुदा की कसम तारे तोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे नहीं है मेरे पास पैसे आपके। खा गए मेरे पैसे, तू क्या समझता है तुझे मैं छोड़ दूंगा। अरे पैसे निकालूंगा मैं तेरे से, निकाल मेरे पैसे। अरे आप भी तो खा गए थे सांभाई के पैसे, उनने उर्वा की शादी के लिए पैसे दिए थे और आपने गाड़ी खरीद ली जाके। मोटरसाइकिल भी बेच के खा गया तू, नाराज तो होना ही था। मैं बेच कर खा गया? पैसे भी तो तू ही उड़ा रहा है। चंद हजार रुपए क्या दे दिए मुझे, क्या मिला? अब्बा की नाराजगी और आगे से कुछ पाया भी नहीं। दिमाग तो सेट रहा तेरा, उस्ताद से कैसे बात कर रहा है? बोलने दे इसे, बोलने दे। जब नशा नहीं मिलेगा ना फिर से पूछूंगा, हिसाब मांगता है साला। Thank you.
यहाँ चुप कर बैठी हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती फिर रही हूँ, क्या हुआ है? क्या नहीं यार, बस भूत के चौक है। सब ठीक तो है ना? हाँ भी है और ना भी है। तुम बताओ। क्या बताऊँ यार, वही घर के काम, भाई भी आ गए हैं वापस। हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, मिले थे मुझे तुम्हारे भाई। ओहो कहाँ भाई? यार वो मैं दरअसल बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी तो वो वहीं से गुजर रहे थे। तो कुछ कहा नहीं उन्होंने? कुछ ही नहीं यार, बस कह रहे थे कि घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। क्या ड्रॉप? हाँ लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि खामा खा क्यों जहमत दूँ मैं उन्हें। इसमें जहमत वाली कौन सी बात है, तुम कहती तो ड्रॉप दे ही देते। नहीं यार बस वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। खैर कर क्या रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में? अभी कुछ दिन पहले ही तो आए हुए वो। हमने सोच रहे उनकी शादी करवा दें, लड़की ढूंढ रहे हैं उनके लिए। तो कोई है नजर में? उनके तो नहीं लेकिन मेरी नजर में जरूर है। कौन है वो? मैं जानती हूँ क्या उसे? बहुत अच्छे से, लेकिन सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बताओ ना यार कौन है? कहा ना अभी नहीं, वक्त आने पर। वैसे वो तुम्हारा पूछ रहे थे कुछ दिन पहले। तो मुझे भी तो पता चले कि आप पूछ क्या रहे थे तुम्हारे भाई मेरे बारे में। यही के कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, चेंज तो नहीं हो गई वगैरह वगैरह। तो फिर तुमने क्या कहा? यकीनन बुराई की होगी। जी नहीं, मैंने कहा बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तनवीर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तुम हमेशा मेरे काम आई हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त कभी भी मिल सकती है। मैं जाऊंगी तो कोई और मिलेगी ना, नजर ना लगे इस दोस्ती को। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं, चाय पिलाओ मुझे अच्छी सी। जो हुक्म सरकार का। चलो परेशानी वाली बात तो नहीं? मैं अरे क्या हुआ मेरे बेटे? हाँ क्या हुआ? अभी मैं अपने किए पे बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बेटा जो हुआ सो हुआ, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है मेरे लिए। और फिर गलती तो इंसान से ही होती है ना, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं मेरे लाल। अम्मी मैं बहक गया था, तो तेरे रास्ते से भटक गया था। रास्ता भटक गए तो क्या हुआ, भूले तो नहीं? और अगर भटके भी थे तो वापस तो आ गए हो ना? यही जिंदगी है बेटा, यही हकीकत, एक कड़वा सच। सॉरी प्लीज माफ कर दे। मेरी जान तुम जितने भी बुरे हो, जितने भी बड़े हो जाओ और जितना भी भटको, आओगे तो अपनों के पास ही ना, अपने घर। मैं तो डरी गई थी। बैठो। अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं एनीवे मैं चलता हूं। थैंक यू। छोड़ दो यार ये किताबों का पीछा, तो और क्या करूं? दुनिया में और भी हजार काम है, वो करो। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर हंसो, गाओ, दोस्तों से मिलो और प्यार करो। तो वो सब तो मैं करती हूँ। कहाँ करती हो, ये देखो अभी भी किताबें हाथ में लिए बैठी हो। वो इसलिए कि अब यही मेरे दोस्त हैं और यही मेरा प्यार। इंसान कम पड़ गए जो किताबों से दोस्ती करने चली हो।
इंसानों में अब वफा कहाँ रही है? और ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाजों से भरे हुए मगर फिर भी खामोश। गुजरा वक्त भूल के नहीं जाती तुम समरीन, एक गुजरा हुआ वक्त ही तो है मेरे पास, यादों के चंद कीमती सिक्के। छोटे सिक्के थे वो, उन्हें माजी में कहीं दफना दो, नए ढूंढो, नए और अनमोल। यहाँ तो इंसान और उसके जज्बात अनमोल नहीं, तो यादें कहाँ? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। अच्छा चलो अब मुँह ठीक करो और चलो। लेकिन कहाँ? चलो तो बताती हूँ। चलो कहाँ? चलो तो बताती हूँ। अच्छा तुम खा क्यों नहीं रही? खा तो रही हूँ यार। दुल्हन को जरा शर्मा शर्मा कर खा लियो, ठीक से खाओ ना। तो और कैसे खाऊं? और ये दुल्हन कहाँ से आ गई? वहां से। क्या मतलब वहां से? अरे तुम लोग यहाँ? हाँ यहाँ आए थे खाना खाने। आप कहाँ? मैं किसी से मिलने आया था यहाँ। आए बैठिए करिश्मा, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? बैठो। कैसी हो अलीमा? जी मैं ठीक हूँ। गुड। पढ़ाई के बाद क्या सोचा? अभी कुछ सोचा नहीं है। चलना नहीं है बेटा, देर हो रही है, चलना। नहीं नहीं अब्बा, बस अभी तैयार हो रहे हम लोग। अपनी माँ को भी निकालना कमरे से, उसको कौन निकालेगा? आने वाली है। ये कौन आया? आप बैठे, मैं देख के आती हूँ। अच्छा बेगम साहबा कब तैयार होगी, कब चलना है? अभी बड़ा वक्त है, हो जाती है तैयार। वैसे तुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, बड़ी गुस्सा लग रही है तू। लेकिन ये सब कुछ मेरी बेटी और दामाद का किया था, मैं बता दूं। सारे घर में इन्हीं का राजपाट था, लेकिन जब आदिल की शादी तय पाई ना, इन दोनों को गम लग गया कि इनका राजपाट छिन जाएगा। इन्होंने क्या किया, फौरन ही मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, प्लानिंग करनी शुरू कर दी इन लोगों ने। मेरा और आदिल का ऐसा दिल खराब किया कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। आखिर एक दिन मैंने अपने कानों से खुद उनकी बातें सुन ली तो मुझे पता लगा। वैसे अब इन बातों का कोई फायदा तो है नहीं, उर्वा बहुत खुश है अपने घर में। अल्लाह उसे खुशियां दे, मैं तो दुआ ही दे सकती हूँ, और मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन भैया माफी तो मांग सकती हूँ ना, इतना तो है ना हक मेरा। हमने आपको माफ किया, समझे उर्वा ने भी माफ किया। बहुत शुक्रिया नवाजिश आप लोगों की, लेकिन देखना मेरी कितनी मजबूरी है कि मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ, कोई नहीं मेरा। इसी बेटी और दामाद के साथ ही रहना पड़ेगा मुझे कयामत तक। लेकिन मैंने भी अपनी दुकान और मकान वेलफेयर वालों के नाम कर दी है। मेरे मरने के बाद एक टका नहीं मिलेगा इन दोनों को, मैं बता दूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी बेटी के माथे से ये दाग तो हटाया। खा हूँ कि आप सबको इंतजार करना पड़ा। दरअसल हमारी बेगम साहिबा तैयार हो रही थी और मैं इनके बगैर आना नहीं चाहता था। मैंने आप लोगों को इनवाइट करते हुए ये नहीं बताया कि ये दावत किस सिलसिले में दी जा रही है। दरअसल ये मेरी बीवी के ऐसे साथ है, जो आप सबसे छुपे हुए थे।
पता नहीं हमारे यहाँ लोग क्यों बुरा समझते हैं औरत के इजहार को।